एक संत के पास कुछ सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे अरदास की, महाराज जी मेरी बहन की शादी है तो आज एक महीना रह गया है तो मैं 10 दिन के लिए वहाँ जाऊँगा। कृपा करें आप भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो टाइम बताएगा, नहीं तो तुझे तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में इशारा गुरुजी की तरफ किया कि गुरुजी कुछ न कुछ मेरी मदद कर दे। आखिर वह दिन नज़दीक आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह मैं जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई, जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे, दुनिया याद करे कि ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले 100 किलोमीटर गए तो मन में आया, जिसकी बहन की शादी थी वह सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाके में था, वहाँ कोई फसल नहीं होती थी। वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई तो वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा रखी थी, अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसे बहुत इनाम देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज़ लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो जल्दी आ जाओ, राजा को अनारों की सख्त ज़रूरत है। जब यह आवाज़ उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए, अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई तो लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। तो राजा ने कहा, ठीक है तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहे कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई, लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद व आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। जब सेवक सोच रहे हैं कि गुरु की महिमा गुरी ही जाने, हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरुजी के बारे में। गुरुजी के वचन थे, जा बेटा तेरी बहन की शादी ऐसे होंगी कि दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम समझते नहीं। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर क्या दे दे और रंक से राजा बना दे।